मायापुरी भी एक हमारी लाइफ का हिस्सा है। जब हम छोटे थे और कई बार स्कूल की लाइब्रेरी में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, तो लाइब्रेरी में मायापुरी अक्सर होती थी जी। तो स्पेशल जाके देखना क्या आया, क्या छपा है, किसकी फोटोग्राफ है, और इस तरह शौक बढ़ता गया। और अखियाँ जा रहे हैं बिल्कुल ही मेरे जो मेरा म्यूज़िक है या जो लोग सुन रहे हैं उससे बिल्कुल ही अलग हट के मैं हरदम कुछ काम करता सोचता हूँ कि कुछ अलग बने। तारा रखिया जो मेरी मम्मी ने मुझे गाना दिया था जी। और फिर डर दिया तो वो बिल्कुल अलग बना, हो गई तेरे बल्ले बल्ले वो भी अलग बनाया। अलग ही क्रेज़ था जगजीत पाजी का, वो सब आर्टिस्ट अलग उनको अलग से लोग सुनते थे। तो मैंने गज़लें सीखी थी, मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब गज़लें गाता था, लेकिन उसमें नाम बनाना बड़ा मुश्किल था, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं। और बस एकदम चेंज हुआ और गाने मिक्सिंग शुरू किया मैंने। सोने की क्या जो पैटर्न है वो है बलोची, जो भंगड़ा जानते हैं पुराने बुजुर्ग वो जानते हैं बलोची भंगड़ा क्या होता है, बहुत कमाल पैटर्न होता है उस पर डांस करना। तो मेरे मन में था कि कुछ ऐसा बनाऊँ, और मुझे खुशी है कि मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग के अंदर ये गाना यूज़ किया। और 3 महीने बाद उनको टाइम दिया, 3 महीने बाद मैं उनको मिलने गया, तब उन्होंने बताया कि हम आपके साथ गाना गाना चाहते हैं, उस गाने में आप वो जुड़वा डर दी रब रब कर दी जी, ये ऐड करना पड़ेगा पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह ये गाना में उनका ब्रेक मिला। हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट, मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी, और आज हमें आपके सामने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंडरी आवाज का स्वागत करते हुए बेहद ही खुशी हो रही है। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी एनर्जी और जज्बे ने पंजाब की वाइब्रेंट म्यूजिक बीट्स को एक लेजेंडरी ग्लोबल मंच पर पहुंचाया है। लेट्स वेलकम दिलेर मेहंदी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू जी। सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका ये जो पैशन है सिंगिंग के लिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? और एक यू नो होता है ना कि आपको बचपन की कुछ यादें होती है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, तो वैसे कौन से पल हैं जिनकी वजह से आप म्यूज़िक में आने के लिए इंस्पायर हो सके? छोटे थे तो जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के साथ जुड़े रहते थे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, पटना में रहते थे। और सबसे खुशी की बात यह कि मायापुरी भी एक हमारी लाइफ का हिस्सा है। जब हम छोटे थे और कई बार स्कूल की लाइब्रेरी में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, तो लाइब्रेरी में मायापुरी अक्सर होती थी जी। तो स्पेशल जाके देखना क्या आया, क्या छपा है, किसकी फोटोग्राफ है, और इस तरह शौक बढ़ता गया। और कमाल की बात यह कि जो हम देखते थे कि स्टार क्या कर रहे हैं और कुछ सोचते थे कि हम भी ऐसा कुछ करेंगे, और रब ने पूरा किया जी। और बहुत खुशी हुई कि आज मायापुरी में हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो आपको ऐसा कौन सा वो पल था जिसने आपको इतना ज़्यादा इंस्पायर किया और इन्फ्लुएंस किया कि आप बिल्कुल ही पूरे पैशन के साथ इस इंडस्ट्री में आ गए? एक गाना था तौबा मेरी ना ढोलना मैं नहीं बोलना, नरेंद्र चंचल साहब ने गाया था और बॉबी फिल्म में गाना आया था। गाने इतनी धूम मचा रखी थी कि हर गली हर मोहल्ले में गाना बजता था, और मुझे वो गाना याद हो गया। कहीं भी जाता था मुझे तो मैं कोई उधर गाना सुना तो फेस्टिवल यही सुनाता था जी, बेशक मंदिर ये लाभ करता था, और इसका शौक बढ़ता रहा। तो आपको अपने करियर का पहला गाना गाने का मौका किसने दिया था और किसने आपको आपकी उड़ान भरने के लिए पंख दिए? मेरी जो उड़ान भरने की पंख मुझे मिली है वो सबसे पहले मेरे घर में जी, मेरे बड़े भाई उस्ताद शमशेर सिंह, अब नहीं रहे हैं, बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे। तो सबसे पहली रिकॉर्डिंग और सबसे पहले जो मेरे कंसर्ट USA में उन्होंने कराए जी, तो उनकी बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और बहुत सारे टिकट शो हॉल में रखे उन्होंने गज़लों के,
और वहाँ से शुरुआत हुई मेरी, वो भी कैलिफोर्निया यूएसए में। हर सिंगर का एक यूनिक स्टाइल होता है गाना गाने का, और आपका तो बहुत ही एकदम अमेजिंग अलग से नोटिस होने वाला स्टाइल है जी। तो ये स्टाइल पे आपकी पकड़ कैसे आई और आपको कैसे आइडिया आया कि आपको इसी तरीके से गाना गाना चाहिए? मैं गज़लें गाता था और फिर मैं दिल्ली आया और यहाँ माहौल इंडिया का ये था कि गज़लें सिर्फ जगजीत पाजी, गुलाम अली साहब, ब्रेम मेहंदी, मेहंदी हसन उनको सुनते थे, या फिर उसके बाद एक और चैन थी वो अनूप जलोटा जी, पंकज दास जी, चंदन दास, इनको लोग सुनते थे। एक अलग ही क्रेज़ था जगजीत पाजी का, वो सब आर्टिस्ट अलग अलग उनको अलग से लोग सुनते थे। तो मैं अपनी गज़लें सीखी थी, मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब गज़लें गाता था, लेकिन उसमें नाम बनाना बड़ा मुश्किल था, इतने बड़े बड़े दिग्गज थे और बस एकदम चेंज हुआ और गाने मिक्सिंग शुरू किए मैंने करने, और ऐसा दौर चला कि वो रास्ता निकल गया और आगे चल पड़े हम लोग। सर, आपका गाना था एक नाना नाना नारे, वो 25 साल पहले अमिताभ बच्चन जी के साथ आपका वो कोलैबोरेशन था, और अब फिर 25 साल बाद वो गाने को रिक्रिएट करके आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत ही भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आवाज़ 25 साल पुरानी लोगों की बहुत कम रहती जिस पिच पे मैं गा रहा हूँ मैं जी। तो नाना नाना मैंने गाया था, बच्चन साहब ने मुझे बुलाया था जब पहला ब्रेक, तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्रेक जो था वो पहला मेरी लाइफ का वो बच्चन साहब ने दिया, सड़ना रहोगे ऐश करोगे। उसके बाद गाना स्टिल चलता जा रहा, उसकी कोई अभी तक कोई ब्रेक नहीं हो पाया, कोई क्रॉस नहीं हो पाया, हिट है गाना। और सडनली टीसी ने फिर कहा कि गाना होना चाहिए, राजकुमार राव की मूवी आ रही है तो उन्हें चाहिए गाना होना चाहिए, तो हम लोगों ने गाया, तो भगवान की बड़ी मेहरबानी के गाना बिल्कुल एज इट इज़ उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ जो हमने पहले गाया था। वो शायद जल्दी कभी रिलीज़ होने वाला है जी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं भी आशा करती हूँ हमें भी फिर एक बार वही गाना रिलीव करके उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा या उससे भी ज़्यादा डबल मज़ा आने अच्छा वाला है। तो सर, अक्सर ऐसा होता है कि ना जीन्स होते हैं फैमिली में और वो जीन्स आगे जाते हैं, तो क्या जो मिक्का पाजी हैं हमारे, तो उनके अंदर म्यूज़िक के जीन्स फैमिली से ही आए या फिर वो आपको देख के इंस्पायर हुए या इन्फ्लुएंस हुए? घर में एक चीज़ को चलती है जी, तो रब की मेहरबानी के सबसे ज़्यादा मैं बहुत चला, और तब फिर ये छोटे छोटे थे, मेरा भाई मिक्का था, जोगिंदर था, तो मैंने इनको फिर अपने साथ जोड़ा और बिल्कुल छोटी स्टेज से लाना शुरू किया, और तब एक थे परम खुराना जिन्होंने गाना एक उड़ीलन गाया। पहली बार हयात में मैंने जब मिक्के को चढ़ाया अपने साथ, तो वो आए और उन्होंने देखा कि कुछ साउंड चेक हो रहा है, शाम के 6 बजे थे और 7 बजे शो था, मुझे आया कि हु इज़ दिस जोकर्स, तो मैंने पीछे देखा कि कौन है जोकर, देखा मेरे मिक्का को बोला गया कि ये कहते ये कौन है जोकर, ये नेपाली था टेढ़ा मेढ़ा आदमी कौन है, मैंने कहा कि कुछ हुआ, बोलते यहाँ पे ना हम लोग बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ऐसे फटीचे आदमी को यहाँ खड़े नहीं कर सकते जी। और मैंने कहा भाजी वो मेरा भाई है और मैं नहीं ब्रेक दूंगा तो कौन देगा, बोले 5 मिनट के अंदर अंदर सब गायब होने चाहिए, यहाँ पे नज़र नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, तो वो गाना था तो गिटार पे मैं लग गया था, तो चलो एक बार खड़ा हो साथ में शुरू हो और झिझक खुले, तो मैंने उसको फिर उस दिन नहीं रुकवाया, दूसरा मिक्का शुरू किया,
फिर बाद में ये हालात हुए कि परम खुराना अब चोरी चोरी चाह रहा था कि मैं क्यों सहन कर लूँ, जो नफरत करता था वो उसे सहन करना चाह रहा। और कहने बोला कि भाजी मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, अपना करना चाहता हूँ। मुझे छोटा था, बहुत प्यार है, और मुझे मालूम है कि 3-4 दिन में बहुत अपसेट रहा और रोता रहा, ये अलग होना चाहता है कि क्या क्यों कैसे होगा। फिर 4 दिन तक मैंने कहा ठीक है, तो पहला ब्रेक मैंने ही दिया, सावन में लग गई और वो रिकॉर्ड मैंने किया, गाना स्टूडियो अपना बुक किया, और योगेश होता था बॉम्बे में, स्टूडियो बुक कराया, रिकॉर्डिंग कराई। जब सब हो गया मास्टर रेडी और तो पता लगा कि मीका जी और परम खुराना आपस में मिल गए, मुझे मालूम ही नहीं, इस तरह वो अलग हो गए। और मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि जब मैंने अपना ग्रुप शुरू किया था, अपने जितने मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार, सबको लेके चला था कि शिव कृष्ण का बन जाए, सबको साथ में, तो थोड़ा दुख तो हो जाए कि अलग हो रहा है, लेकिन अब की मेहरबानी रही कि चलो बहुत अच्छा नाम भी क्या हुआ, बहुत नाम कमाया मिका ने, और आज हर जगह उसका नाम है जी। तो अच्छा अगर नहीं करता तो शायद ना होता था। अब आपके बेटे हैं गुरदीप, वो भी फिल्म इंडस्ट्री में है, म्यूजिक में भी है, तो आपको उनको ऐसे इस मुकाम पे पहुंचता देख के कितना प्राउड फील होता है? और वो आपके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता होगा ऑब्वियसली, पर एक अलग ही फादरली फीलिंग आती है ना कि मतलब मेरा बेटा भी एक नाम कमा रहा है, मेरे से भी ज्यादा बड़ा बनेगा। बिल्कुल, मुझे याद है 6 साल पहले USS को मैं साथ ले गया था स्टेज पे, साइड पे गाने के लिए, ताकि थोड़ा पूरी ट्रेनिंग हो उसको, तो बहुत प्यारा बच्चा है, कोई नशा नहीं करता और सबको रिस्पेक्ट, बहुत प्यार से बोलता है, बहुत डाउन टू अर्थ है, तो बहुत अच्छा रहा, काफ़ी शो में लेके गया, और आज उसकी तकदीर है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत नाम कमाएगा, सबकी ब्लेसिंग चाहिए उस पर। आप हमारे साथ यहीं पे दिल्ली में रहते हैं, और बहुत से सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो अपना होम टाउन जहाँ से वो आए हैं वो छोड़ के मायापुरी माया नगरी चले जाते हैं या फिर मुंबई में बस जाते हैं जाके, तो आपने कभी नहीं सोचा दिल्ली छोड़ के मुंबई जाने का, वहीं पे रहने का? मेरा पता नहीं, मेरी एक, एक, एक काम करने का तरीका या मेरी सोच बहुत अलग थी, और जब मैंने काम भी शुरू किया अमेरिका से आके इंडिया में, दिल्ली में यहीं मैंने नाम कमाया, यहीं शो शुरू किए और बहुत नाम कमाया यहाँ पर मैंने, और फिर मुझे ये था कि मुंबई जाना है, काम करना है, मुंबई रह के नहीं रहा, काम करना। मुंबई बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, लेकिन मुझे कभी रास नहीं आती थी, और छोटी सड़कें हैं और जगह बहुत जगह गंद होता है, तो मुझे सूट नहीं करता था, पर ये था कि मैं नाम कमाना है और जाऊंगा। तो एक बार हम लोग मुंबई शो करने गए थे, JK कपूर साहब थे, उनके बेटी की शादी थी, तो वहाँ हमने शो करने गए, तो उस जगह पे फिर बच्चन साहब आए, जया जी आई, और विनोद खन्ना साहब, धर्मेंद्र साहब, मतलब तकरीबन जो टॉप इंडस्ट्री शुरुआत जहाँ से होती वो सब वहाँ थे मेरे शो में। और जब हमने गाया उनको सबको बहुत अच्छा लगा, और 3 घंटे मैंने परफॉर्म किया था, और फिर 2 साल बाद बच्चन साहब को मुझे फ़ोन आया कि हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, क्या मैं दिल्ली में साहब से बात कर सकता हूँ? तो मैं चक्कर आने लग गया, मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ, तो बोला कि क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? आप जिस आदमी को आप बचपन से देख रहे हैं, बच्चन साहब तो लाइक के बिल्कुल, हमारे तो बिल्कुल फरिश्ता,
वो खुद कह रहे आपके साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ी चक्कर आ रहे थे कि आप समझ रहा था कैसे गिर ना जाऊँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप परसों मुंबई आ जाओ। मैं दिल्ली में विकास सुनी था बात कर रहा था, तो मेरे बहुत सारे शो थे, मैं 3 महीने लगातार बुक था हर दिन। मैंने कहा सर आऊँगा 3 महीने बाद, और शुक्रिया आपने याद किया, मैं आपको बहुत फैन ये हुआ है। तो मैं 3 महीने बाद उनको टाइम दिया, 3 महीने बाद मैं उनको मिलने गया, तब उन्होंने बताया कि हम आपके साथ गाना गाना चाहते हैं, और गाने में आप वो जरूर आओगे डर दी रब रब कर दी जी, ये ऐड करना पड़ेगा पार्ट में, ठीक है। तो इस तरह ये गाना में उनका ब्रेक मिला, फिर तो पीछे को घूम के देखा ही नहीं, क्योंकि शुरुआत ही जहाँ से लोग मुंबई जाना चाहते हैं, तरसते हैं, और आपकी शुरुआत ही बिल्कुल मुंबई के बिल्कुल टॉप जी, एक ही आदमी कम ट्रू उनके साथ काम करो, तो दुनिया अलग हो गई, रास्ते अलग हो गए, पूरे वर्ल्ड ने जाना के धीरे मैंने किया है जी। तो अब जैसे हम पूरे वर्ल्ड में तो आप फेमस है, और इंडिया में आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है, तो इंडिया में तो आपको फैंडम हमेशा ही देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन इंडिया के अलावा इंटरनेशनली आपको सबसे ज्यादा फैंडम किस देश में देखने के लिए मिला? एक तो रशिया में अलमाटी में जी, मुझे याद है कि मैं देख के लोग मतलब 5,000 10,000 लोग बल्ले बल्ले ऐसे बोल के देख के बोलते थे बाजारों में, बड़ा अच्छा लगता था। फिर यूएसए में बहुत हुआ, अमेरिका में कई कंट्रियाँ कई सिटी ऐसी हैं जहाँ पे लोग बहुत 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 प्यार करते हैं। फिर अरब कंट्री में हम लोग गए बहरीन में, तो शो था, शो के अंदर 11 यंगस्टर डांस करते करते गिर गए, और फिर एम्बुलेंस आई उनको लेके गए, एकदम पंजाबी तो बोलते इसको हॉल पे आ गया बोलते हैं कि एकदम बेहाल हो जाना। तो बहुत कुछ किया हमने, बहुत दुनिया को बहुत बहुत खुशियाँ दी हैं म्यूजिक के जरिए। मायापुरी मैगजीन्स हमारी लाइफ का मतलब बचपन से ही बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं, और आपकी भी लाइफ में वो बचपन में रहे होंगे मायापुरी मैगजीन्स, तो आपकी बचपन की क्या यादें हैं मायापुरी मैगजीन्स को लेके? वो जब मैं देखता था, और फिर मैं कई बार जैसे लोग बैठे हुए मैं बोलता था कि खबर था कि मायापुर ने लिखा है कि आज दलेर सिंह ने बॉलीवुड के काफ़ी सिंगरों को हरा दिया, खुद ही पढ़ने लगता था जी। लोग कहाँ लिखा है, खुद ही अपनी तरफ लिखता कि मायापुर ने ये लिखा, मायापुर ने ये लिखा है। तो मायापुर तो हमारे लाइफ में जैसे गाना जुड़ा हुआ है, इस तरह मायापुर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी मैगजीन है, और बहुत सारे लोगों को ये देख के काम करने की प्रेरणा मिलती है कि बॉलीवुड में जाया जाए। सर आपका एक नया गाना आने वाला है अखियां ते जा लड़ियां, तो उसका मेकिंग कैसे हुई, उसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, और कब वो ऑडियंस को देखने के लिए मिलेगा? अखियां जा लड़ियां बिल्कुल मेरे जो मेरा म्यूजिक है या जो लोग सुन रहे हैं उससे बिल्कुल ही अलग हटके, मैं हरदम कुछ काम करता हूँ सोचता हूँ कि कुछ अलग बने। तारा किया जो मेरी मम्मी ने मुझे गाना दिया था जी। और फिर डर दिया रब, वो बिल्कुल अलग बना, हो गए तेरे बल्ले बल्ले वो क्यों अलग बनाया, तो बिल्कुल ही अलग बनाया जी। तो मेरा तो रहता है कि मेरा कोई भी गाना हो वो अलग बने और लोगों में उसकी पहचान बने। तो ये जो अखियां जा रही हैं इसको आप सोने के क्या जो पैटर्न है वो है बलोची, जो भंगड़ा जानते हैं पुराने बुजुर्ग वो जानते हैं बलोची भंगड़ा क्या होता है, बहुत कमाल पैटर्न होता है उस पर डांस करना। तो मेरे मन में था कि कुछ ऐसा बनाऊं, और मुझे खुशी है कि मैंने पहली बार रिकॉर्डिंग के अंदर ये गाना यूज़ किया और बलोची रिदम यूज़ की, बहुत ही अच्छा, आप जब भी सुनेंगे तो एकदम नाचना शुरू करता आदमी, कहने और किसी को कहने की जरूरत है डांस करो, आप मेरे गाना लगाओ आदमी नाचना शुरू कर देगा जी। इस तरह ये बनाया उसने उस्ताद शेर अली मेहर अली उनके बेटे इजाज अली, उनने भी गाया है, और इसको डायरेक्ट किया मेरी वाइफ तनप्रीत मेहंदी ने, बहुत कमाल वीडियो डायरेक्ट हुआ इसका,
और रिकॉर्ड किया है आकाश जेटली, बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं। एक अलग सोच है, एक नया रंग दिया। हम लोग खुश हैं कि ये गाना हम जहीं जहाँ भी गाते हैं, अब तो रिलीज़ होना है, पर हम जहाँ भी गाते हैं लोग झूम उठते हैं जी। और ये गाना सिर चढ़ के बोलेगा और बहुत अच्छा रहेगा। सर, हमारी मायापुरी मैगजीन को 50 साल पूरे होने वाले हैं, तो आप मायापुरी को और मायापुरी के सारे रीडर्स और ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल, अब इसको बहुत तरक्की है, मुझे भी जब से मैंने होश संभाला है 50 साल तो मुझे भी हो गए देखते हुए, मायापुरी को देखते पढ़ते हुए। बहुत बहुत अच्छी मैगजीन है, बहुत मज़ेदार है और बहुत सारे करेक्टर हैं इसके, बहुत सारे मशहूर। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि सबकी फेवरेट है, सब दिल से दुआ करें कि रब बहुत ज़्यादा तरक्की दे और बहुत दुनिया में और ज़्यादा नाम हो। मायापुरी की वजह से बॉलीवुड को लोग जानते हैं, स्टारों को जानते हैं, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो कुछ अगर किसी के बारे में पढ़ना है तो हमें मायापुरी से पता लगता है कि ये फलाना आर्टिस्ट है, ये इसकी ये बैकग्राउंड है, इसका ये बैकग्राउंड है। बहुत अच्छी मैगजीन है, रब बहुत सारी दुआवा और बस बहुत तरक्की हो। थैंक यू दिलेर सर, हमारे साथ अपनी प्यारी यादें और म्यूज़िक की जर्नी शेयर करने के लिए। वी होप कि आपका गाना पूरे इंडिया को इतना पसंद आए कि एक चार्ट बस्टर हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।